Hey everyone, this is Science Side channel. My name is Charu. I welcome you all in my channel. Let's do the breathing and exchange of gases, important MCQ for the NEET exam. And this is also for the 11th class. Let's start the video with the question number one. The question number one is, ascent of a high mountain may cause altitude sickness in the men. What is the main cause of this? At high altitude, we feel the sickness. ठीक है? क्यों ऐसा क्यों? जब भी ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है ऊपर, है ना, जितना जितना हाई अल्टीट्यूड पे जाते जाए. सो देयर इज द रीजन इज दैट देयर इज अ डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है. सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. यहाँ पे द थर्ड ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. लेट्स चेक, दैट इज करेक्ट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है? ये सारी चीजें याद रखने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि लंग्स में ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है. कितना होता है? 105 mm ऑफ Hg. अगर किसी ने सारा चैप्टर ये कर लिया है तो उसको पता है लंग्स में इतना है. जैसे ही लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, जो आपका हार्ट है उसकी तरफ इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, एंड सिस्टेमिक आर्टरी के पास बहुत सारी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसका अमाउंट कितना है? 95 mm ऑफ Hg. ठीक है, mm ऑफ Hg. उसने किसको किसको प्रोवाइड करना है ये सारा ऑक्सीजन? जो सेल्स हैं बॉडी के, जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का अमाउंट अब कितना है सेल्स के अंदर कम है, वहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है. तो ऑक्सीजन वहां कितनी है? दैट इज 40 mm ऑफ Hg. अगर किसी ने ये सब पढ़ा है तो उसको पता होगा दैट इज. लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज में है, और ज्यादा से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड है भी किसी ऑर्गन में, किसी सेल्स में, तो 45 mm ऑफ Hg से ऊपर नहीं जाती है. देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा. ठीक है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, डिक्रीज में जा रहा है. जब वापस जाते हैं तब तो इंक्रीज में है, लेकिन शुरू में जब हम बोल रहे थे कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम था. कितना कम था? वहां पे भी डिक्रीज में हम यही बोलेंगे, 40 mm ऑफ Hg जो था वो अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लर्न रखनी है. अब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40 mm ऑफ Hg. देन ठीक है, हमने सही वाला नहीं ढूंढना है, हमने फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है. ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95 mm ऑफ, ये भी बिल्कुल सही है. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर यानी लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स में कितना है? 104 105 लिखा है मैंने, यहाँ पे 104 आएगा. एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 90 डी ऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इनको कितना लिखना चाहिए था? 45 mm ऑफ Hg लिखना चाहिए था. ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा? 45 से ज्यादा नहीं होता है, 45 mm ऑफ Hg इतना हम लेके चलते हैं. 95 लिखा है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, अ पर्सन विच इज लिविंग इन द सी लेवल, उसके पास है अराउंड 5 मिलियन RBC पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड. ठीक है, वेयर एज अ वन लिविंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 5400 मीटर या 5400 मीटर हैज अराउंड 8 मिलियन. दिस इज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है? वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, दैट गेट डिक्रीज एट अ हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, और सी लेवल में 5 मिलियन RBC की रिक्वायरमेंट है, बल्कि एट हाई एल्टीट्यूड देयर इज द इंक्रीज इन द RBC. क्यों? क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर रहा है. मोर ऑफ द RBC, मोर ऑफ द RBC एट दैट एरिया द पर्सन रिक्वायर, सो दैट इट कैन एक्यूमुलेट मोर ऑफ द ऑक्सीजन. ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपके पास RBC होने चाहिए. तो यहाँ पे कितने? 8 मिलियन लिखा है. एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस, बिल्कुल सही बात है, एंड हेंस मोर द RBC आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव. बिल्कुल सही बात है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट पूछा था.
फिर हाँ जी ट्रू स्टेटमेंट दैट इज ए ऑप्शन, देयर इज अ यूवी रेडिएशन की बात नहीं आनी चाहिए, पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड ऐसी कोई बात नहीं है, पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ नहीं, मेन रीजन यही है एटमोस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, ऑक्सीजन का लेवल जितना बॉडी को चाहिए उसके लिए मोर आरबीसी दैट दैट पर्सन नीड फॉर द सर्वाइवल, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ इज द एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस फ्रॉम द प्लाज्मा बैलेंस द इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन द आरबीसी व्हेन बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज फ्रॉम द आरबीसी इनटू प्लाज्मा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी हम आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जिनके अंदर जो आपका आपने सुना होगा बोहर इफेक्ट, हैमबर्गर शिफ्ट, ये सब चीजें अकर करती हैं, हमें पता है कि 20 to 25% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट अटैच विद द हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, इस प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, क्या बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ये बनाता है। लेकिन 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो क्या बनाता है कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इन द आरबीसी, अभी आरबीसी के अंदर ही हो रहा है, इट गेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स बाई कार्बोनेट आयंस एंड एच पॉजिटिव, तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं आरबीसी के अंदर, लेकिन प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट है हमारा 7% कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा के अंदर का सीएल नेगेटिव आयन जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होगा अगर ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा की तरफ शिफ्ट होते हैं, दिस शिफ्ट इज नोन एज हैमबर्गर शिफ्ट, दिस इज हैमबर्गर शिफ्ट, द शिफ्टिंग ऑफ द क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द आरबीसी बिकॉज द बाइकार्बोनेट इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम द आरबीसी टू द प्लाज्मा एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्लोराइड शिफ्ट, तो क्लोराइड आयन रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर करने के लिए, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको हैमबर्गर शिफ्ट भी बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, इन सब में से कोई शिफ्ट नहीं होता बल्कि प्लाज्मा का सीएल नेगेटिव आयन शिफ्ट करता है आरबीसी में और आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन ये शिफ्ट करते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ ओनली द थोरेसिक वॉल इज पंक्चर्ड एंड नॉट द लंग्स, अब हमारे जो लंग्स होते हैं तो लंग्स के बाहर हमारे पास होती है प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, इस प्ल्यूरल मेम्ब्रेन में एक आउटर साइड पे हमारी मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इट इज टुवर्ड द थोरेसिक रीजन, ठीक है, और एक लंग्स की तरफ है, दिस इज आउटर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, और बीच में प्ल्यूरल क्या है फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके साथ साथ इसके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक प्रेशर ग्रेडियंट है दैट इज नोन एज अ इंट्रा प्ल्यूरल प्रेशर, ठीक है, और लंग्स के अंदर क्या होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ना वो ज्यादा होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए, और ये जो इंट्रा प्ल्यूरल वाला प्रेशर है ना ये लेस होना चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि इसको क्वेगुलेट नहीं होना है, अगर बाय चांस ये हाई हो जाए तो अगर ये जो वॉल है ये रप्चर हो जाए, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंटल पर्पस से यहाँ पे रप्चर आ जाए तो ये वाला प्रेशर जो है इट बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाला प्रेशर इंट्रा प्ल्यूरल प्रेशर इट बिकम इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, और अगर इक्वल हो गया या आप ये बोल सकते हैं अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या कर देगा लंग्स को कोलैप्स कर देगा, इट विल कोलैप्स द लंग्स, और कोलैप्स होने से द मैन विल डाई बिकॉज द लंग गेट कोलैप्स, तो दिस इज द रीजन, फिर से बता रही हूँ कि लंग्स के बाहर ये जो हमारा प्ल्यूरल मैम्ब्रेन है, दिस इज द प्ल्यूरल मैम्ब्रेन, इट इट सेल्फ हैज अ प्रेशर ग्रेडियंट,
और ये प्रेशर ग्रेडियंट एज कम्पेयर टू लंग्स कम होना चाहिए. ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर हेयर एंड हेयर, दिस इज लंग्स. इन दोनों के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस है. ये जो प्रेशर है ये लेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू लंग्स. लंग में प्रेशर हाई होना चाहिए ताकि ये बाहर की तरफ थोड़ा मूवमेंट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के लिए कर सके. लेकिन अगर ये प्रेशर हो गया हाई, इफ इट बिकम हाई ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम रप्चर इन द वॉल, देन इट मे कॉज द कोलैप्स ऑफ द लंग. ठीक है, तो लंग कर जाएंगे कोलैप्स, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड द मैन डाइज. तो द बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास, वॉट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफ आर सी. इसके बारे में बात कर रहे हैं. जब भी हम लंग्स में डिफरेंट कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, सबसे पहले हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, देन हम बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, देन हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की, देन हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. इन दोनों के मिल जाने से, यानी दो वॉल्यूम के एडअप होने से हम कैपेसिटी बनाते हैं. एंड जब भी हम रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एडअप करते हैं, को ऐड करते हैं, तब हमारे पास आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. सो यहाँ पे ई आर वी एंड द आर वी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एडअप करने से बी ऑप्शन से हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है. सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कॉज ऑक्सीजन टू मूव थ्रू द एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी ऑफ द लंग्स. ये हमारे पास लंग्स है, लंग्स के अंदर इस तरह से एल्वियोल आए थे हमारे पास लास्ट में, जो कि मेन एक्सचेंज कर रहे हैं. दीज आर एल्वियोलर डक्ट एंड दीज आर द एल्वियोलाई. दीज बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हम ये पढ़ते हैं, बाकी तो कंडक्शन करते हैं पार्ट्स, लेकिन मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बिकॉज ऑफ द एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई. अब इनका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, कैपिलरीज के साथ. बहुत ही थिक बना दी मैंने, थिन थिन कैपिलरीज इनके साथ अटैच है. दीज आर कैपिलरीज. अब इन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन तो यहाँ पे बहुत सारी है, लेकिन यहाँ ट्रांसफर हो रही है. दैट व्हाट कॉज द ऑक्सीजन टू मूव थ्रू द एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी टू द लंग्स, ऑफ द लंग्स सॉरी. तो डिफरेंस इन द ऑक्सीजन टेंशन. आपको पता है कैपिलरीज में अभी ऑक्सीजन कम था, लेकिन लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन आ चुकी थी. तो जहां ऑक्सीजन हाई होगी, वहां से मूव करेगी लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की तरफ, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की तरफ. दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है, इट कॉज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स में हाई था, टू द कैपिलरीज, जिनमें लो थी, और आराम से बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑक्सीजन इनमें एंटर कर जाती है. द डिफरेंस इन द ऑक्सीजन टेंशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज चैम्बर विल लेड टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द कैपिलरी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है, इन एडिशन टू द रेस्पिरेटरी फंक्शन द लंग्स ऑल्सो प्ले रोल इन. लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, यानी ब्रीथिंग में हेल्प करना. और जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं तो सारी बातें, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ब्रीथिंग आ जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात आती है, इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात आती है. इसके अलावा टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, ह्यूमिडिफाई करना एयर को, ये सारी चीज़ें हम लंग्स में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे एक्सक्रीशन नहीं है, पीएच रेगुलेशन नहीं है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी नहीं, टेम्परेचर रेगुलेशन भी लंग्स का ही काम है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना. क्योंकि ये एयर को क्या करता है, वार्म अप करता है. अगर एयर वार्म अप द एयर, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ हमारे पास, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो किस ऑर्गन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट, किस ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रेन पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द ट्रैकियल वेसल्स एल्वियोलाई आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन की कमी. ठीक है,
deprived of oxygen because of which disease? जब भी हम इंफ्लामेशन की बात करते हैं, बॉडी में किसी एलर्जी की वजह से देर इज अ इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. जब भी हम इंफ्लामेशन की बात करते हैं, ड्यूरिंग एलर्जी दिस हैपन, तो आईजीई का रिलीज होता है. आईजीई जो है वो मस्त सेल्स के थ्रू बॉडी में रिलीज करते हैं हिस्टामिन, और इसकी वजह से क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, एंड फ्लैटनिंग ऑफ द ट्रैकियल वेसल्स होता है, ट्रैकियल वेसल्स. और ये सारी चीजें किसमें होती हैं, जब भी हमें अस्थमा होता है. इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग, एंड इससे जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होती है. बच्चे, जो एल्वियोलर वॉल है आपकी, जो एल्वियोलाई की जो वॉल है, ठीक है, उनको डैमेज होता है, उनकी जो वॉल है उनको डैमेज होता है. ठीक है, तो ये सारी बातें, द फ्लैटनिंग ऑफ द ट्रैकियल वेसल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ अ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स इज ड्यूरिंग द एलर्जी, इट हैपन टू द लंग्स, एंड दिस इज नोन एज अ अस्थमा. ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, दैट इज अस्थमा, बी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्रीज इन द लंग वेंटिलेशन. बहुत जल्दी जल्दी से सांस ले रहे हैं हम, है ना. जब हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाती है बॉडी में, द हाइपोक्सिया या हाइपर जो है, बहुत जल्दबाजी में हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. कब होता है ऐसे, फटाफट से सांस लेना, दैट इज हाइपोक्सिया हो गया हमें. दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट इन द इनहेल्ड एयर. जब भी इनहेल्ड एयर, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्मोक एरिया में या इसमें दम घुट रहा है, उस एरिया में, उस रूम में आप बंद हैं, ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है आपकी ब्रीथिंग में आ रहा है, देन वॉट हैपन कि आपका जो इंस्पिरेशन वाला है, दैट बिकम हाई, हाइपोक्सिया की कंडीशन है तब, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द इनहेल्ड एयर इंक्रीज. दिस इज द रीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. 12th क्वेश्चन, व्हाट कंट्रोल, जब कंट्रोल का बा की बात आती है रेट ऑफ ब्रीथिंग में, मतलब ब्रीथिंग के दौरान कंट्रोल जो है वो कौन करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेडुला, क्योंकि उसके पास है हमारा रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. ठीक है, अच्छा, ये तो इंस्पिरेशन में हेल्प करता है. व्हेन वी डू द इंस्पिरेशन ना, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों की कंट्रैक्शन कौन करता है, मेड्यूला का रेस्पिरेटरी राइम सेंटर. लेकिन अगर एक्सपिरेशन करनी हो, सांस बाहर निकालने की बात आ रही हो, देन इन एक्सपिरेशन वी हैव पॉन्स के पास, हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ते हैं ना, जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तब हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, मेड्यूला, पॉन्स, तब पॉन्स का हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, टॉक्सिक सेंटर ये कंट्रोल करता है किसको, एक्सपिरेशन को. अब ये दोनों के साथ ही प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर्स. अब वो कीमो रिसेप्टर्स कब काम करते हैं, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट देखते रहेंगे, कभी ज़्यादा हो रहा है तो फटाफट से रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को मैसेज देते हैं, इनका काम है मैसेज देना. और दूसरा, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन में कभी इनको गड़बड़ लगे तब भी ये मैसेज प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को कि इंस्पिरेशन का अमाउंट इंक्रीज करिए, फटाफट से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स करिए, ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन का अमाउंट लंग्स में इंक्रीज हो सके. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द टू रीजंस. तो इसमें से देख लेते हैं अब कौन सा रीजन मैच कर रहा है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यस, अगर एच पॉजिटिव दिया होता उसको टिक लगाते, यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, वहाँ एनसीईआरटी में भी दिया है कि कंट्रोल जो है रेट ऑफ ब्रीथिंग का डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 13th क्वेश्चन है, इन लंग्स देयर इज अ डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड द प्लाज्मा,
वॉट इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. पहले भी बता चुकी हूँ कि आरबीसी के अंदर क्या चीज़ें चलती हैं. 20-25% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देता है. ये बन गया. कुछ परसेंटेज यानी 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, इट कंबाइन विद द वाटर एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड बन गया. कार्बोनिक एसिड अब फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, इसकी प्रेजेंस में टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में एंड एच पॉजिटिव आयन. अब बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो यहाँ अगर ना रहना चाहें, आरबीसी से अपने आप को ट्रांसफ़र कर लें प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा का जो सीएल नेगेटिव आयन है वो शिफ्ट कर जाएगा आरबीसी के अंदर टू द आरबीसी टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, और ये मूव कर जाएगा प्लाज्मा के अंदर. ये तो मूव कर गया कहाँ से, आरबीसी से ये इधर मूव कर गया, सीएल आरबीसी के अंदर मूव कर गया. दिस शिफ्ट या इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, सीएल नेगेटिव इनटू द आरबीसी, ये बात बिल्कुल सही है. इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू आरबीसी, वो तो पहले से ही आरबीसी में थे. इफ्लक्स ऑफ सीएल नेगेटिव, ये आरबीसी से बाहर नहीं निकले, ये प्लाज्मा से बाहर निकले हैं. इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू द आरबीसी, बाहर निकले कहाँ से, ऑफ दिस इनटू आरबीसी, इनटू आरबीसी नहीं, ठीक है ठीक है, ये वो पहले से ही आरबीसी के अंदर थे. तो यहाँ पे इनफ्लक्स ऑफ सीएल नेगेटिव, अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो दिस इज फ्रॉम आरबीसी, इनटू आरबीसी नहीं, इनफ्लक्स ऑफ सी एल नेगेटिव इन टू आर बी सी, ये बात बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है. वेयर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड, अगर ब्लड में कहीं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन किसने पहुँचाई थी, लंग्स ने, लंग्स के किस किस एरिया के पास, एल्वियोलाई के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थी, उन्होंने दे दी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड के अंदर. अब ब्लड में ये जो ऑक्सीजन है इसका लॉस कब होगा, इसका लॉस तब होगा जब ये सारा ब्लड टिश्यूज़ की तरफ जाएगा और टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन का अमाउंट लेस है, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगी, क्योंकि इनके पास कितना अमाउंट था, 95 mm ऑफ Hg का अमाउंट था, लेकिन टिश्यूज़ के पास ऑक्सीजन लेस थी, दैट इज़ 40 mm ऑफ Hg था. तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन वहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पे लो था कंसेंट्रेशन एंड दिस इज नोन एज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो जो कैपिलरीज टिश्यूज के आसपास हैं वहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा. आर्टरीज ऑफ द बॉडी, आर्टरीज कैपिलरीज में ही तो डिवाइड हुई थी, कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वियोलाई नहीं, उनको तो बहुत सारी ऑक्सीजन मिली थी बच्चे, लॉस पूछा है यहाँ पे, लॉस, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास 15th क्वेश्चन है, When the hemoglobin content of the blood decrease, जब भी Hb decrease कर जाता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको बोलता है कि बेटा जी आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो या तो वो ये बोलेगा या तो एक और वर्ड बोलेगा, दैट इज यू हैव एनीमिया. एनीमिया इज कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है. द डिजीज इज नोन एज एनीमिया, निमोनिया जब सर्दी होती है, एम्फाइसीमा जब सिगरेट स्मोकिंग से आपके अंदर लंग्स में जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो गई है, ठीक है. चलिए तो ये थे रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपके, और इसमें आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वी हैव अ 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसमें से ट्रू कौन सी है फॉल्स कौन. द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इजीली, यस बिल्कुल सही बात है, 20-25% जो है ना अमाउंट इसका जो सॉल्युबिलिटी है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, इट इज़ हायर देन, इज हाई देन ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में भी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है. 20-25% सॉल्युबिलिटी इसकी हाई है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है. मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8.9% नहीं बच्चे, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो आपकी डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में, 93% जो है वो तो जाती है आरबीसी में,
उसमें से 20-25% तो मैंने बताया था कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बना देती है, और 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। ये बात थी, 93% की बात होती है, लेकिन 7% जो है, तो ये मेरी फॉल्स है स्टेटमेंट, सीधे बात बोलूँ। नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यू डिफ्यूज पैसिवली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। पैसिवली, बिल्कुल पैसिव डिफ्यूजन शो करेगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन गैसेस मूव करती है ना, तो इन्होंने लिखा है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड पासिस टू द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। बिल्कुल सही, इट प्रोड्यूसेस बाय द टिश्यूज के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत ज्यादा थी इसीलिए फटाफट से डिफ्यूजन हो गया उसका, और कहाँ चलेगी, आरबीसी के अंदर। कितनी गई वो मैंने यहाँ बता दिया है, 93%, और जैसे ही गई उसमें से कुछ तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन कुछ रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। द ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ इराइथ्रोसाइट इज बेसिक, नहीं वो एसिडिक होते हैं, ये बात याद रखनी है, जिसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। अब देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ भी देख ही लेती हूँ। द क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम द प्लाज्मा टू द इराइथ्रोसाइट्स, यानी आरबीसी की बात कर रहे हैं बच्चे, ये टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। यस, प्लाज्मा से बैलेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां से कौन मूव हिल गया था वहां से, अब बाई कार्बोनेट्स आयन जो हैं वो वहां से मूव करे, ये चले गए प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा से जो सी एल नेगेटिव है उन्होंने आयनिक बैलेंस शो करा। ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू है। 1, 3 और 5 ये ट्रू है, और सेकेंड एंड द फोर्थ आपका फॉल्स है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ 17th क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत लग रहा है। इट ह्यूमिडिफाई द एयर, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, इट ह्यूमिडिफाई द एयर, बिल्कुल ठीक, मॉइस्चराइज करते हैं एक तरह से, मॉइस्चराइज, ठीक है, वार्म अप द एयर ताकि टेम्परेचर जो है उसकी रेगुलेशन हो सके। बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इट वार्म अप द एयर। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करते हैं, यस, जो एल्विलाई है उनमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चलता है ना, चलता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है ना, दिस इज डिफ्यूजन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लीन अप द एयर, क्लीन नहीं कर पाता, क्लीन एयर प्यूरिफायर थोड़ी है नाक के अंदर, तो क्लीन अप द एयर वाला ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे, रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज नहीं। नेक्स्ट, वी हैव अ पर्सन विच सफर फ्रॉम पंक्चर्स इन द चेस्ट कैविटी, फिर से वही बात आ गई कि ये लंग्स है, लंग्स के बाहर की ये जो कैविटी है इसमें अगर पंक्चर आ जाए तो पंक्चर होने से क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर का ग्रेडियंट है, ये यहाँ का जो प्रेशर ग्रेडियंट है, जो प्रेशर डिफरेंस है उसमें प्रॉब्लम आएगी, और अगर प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ का जो प्रेशर ग्रेडियंट है अगर वो इक्वल हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के, तो क्या होगा, ये लंग्स अंदर की तरफ कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे एंड इट मे कॉज अ डेथ ऑफ द पर्सन, बिकॉज इट मे कॉज ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे सेसेशन, सेसेशन का मतलब होता है स्टॉपेज या स्टॉप कर जाना ऑफ द ब्रीथिंग, सांस लेना ही बंद कर देगा, बिकॉज द लंग गेट कोलैप्स, ठीक है, एंड द पर्सन मे डाई। तो लास्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज द एक्सपोजर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू द एनिमल्स, या हम अपनी बात कर ले ह्यूमंस में, इट इज़ वेरी हार्मफुल, बोलते हैं ना अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों, बिकॉज द कोल प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इट रिएक्ट विद द हीमोग्लोबिन एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ही ये बनेगा तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द अबिलिटी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, ये रिड्यूस कर देगा एंड द पर्सन मे डाई। तो इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था उसका अमाउंट कम होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, डिफरेंट प्रोसेसेस नहीं होंगी एंड इट मे कॉज अ डेथ ऑफ दैट पर्सन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग,
इन सब बातों को फटाफट से रीड करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। जब भी हम इंस्पायर करते हैं तब हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करनी होती है। किसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, इंटर कोस्टल मसल्स, ये भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी, यानी बड़ी एक्टिंग मार रहा है, बड़ा एक्टिव है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जब भी हम एक्सपायर करना चाहते हैं तो फटाफट से गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। वो एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आसानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, सेल्स से, हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, वो लंग्स के थ्रू हम उनको बाहर निकालते हैं। तो ढूंढिए, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव एंड एक्सपिरेशन इज अ पैसिव। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ 20 क्वेश्चन अपने। मोर वीडियोज विल बी देयर रिगार्डिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लीज सब्सक्राइब साइंस साइड फॉर मोर वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट बेटा।